अभी तक तो पीठ में ही छुरा भोंक रहे थे, अब सीधा पेट में छुरा भोंकने का काम हुआ है। लोग डर रहे हैं कि जो भी बिहारी यहाँ पर गलती से घुस गए हो तो ये वहाँ अपना अधिकार न समझने लगे कल को। जो उस राज्य का निवासी है, पहला हक उसी का बनता है। जो बोलियाँ बिहार की, जो बोलियाँ जिनको संविधान ने भी मान्यता नहीं दी है, वो बिहार राज्य में जिनको मान्यता नहीं है, वहाँ पर न स्कूल कॉलेज न दफ्तर में इस्तेमाल होता है, उसको यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा के बतौर घुसा दिया जाता है। जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर झारखंड 32 खतियान को लेकर आज यहां पर गीता शिवराव जी इनसे मिलने आई थी। आइए गीता शिवराव जी से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है झारखंड 32 खतियान को लेकर। आंदोलन के इतने दिन बीत जाने के बाद भी आखिर सरकार सूद क्यों नहीं ले रही है आंदोलनकारियों? सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, और निश्चित रूप से जो इतने लंबे समय से आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, दुनिया को पता है। आज के हर दूसरे तीसरे राज्य के जो मुखिया हैं, आपको अभी हाल में ही मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि मध्य प्रदेश के नियोजन होगा, जो रोजगार होगा वो मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए भी होगा। आखिर क्यों कर ये सब घोषणाएं हो रही हैं? लोग डर रहे हैं कि जो भी बिहारी यहाँ पर गलती से घुस गए हों तो ये वहाँ अपना अधिकार न समझने लगे कल को। तो इस तरह की घोषणाएं जो मध्य प्रदेश की सरकार ने की, और तो और आप बिहार सरकार को भी देख लीजिए ना, 15-20 दिन पहले उन्होंने भी कहा कि बिहार में नियोजन बिहारियों के लिए, तो फिर झारखंड ही क्यों एक ऐसा चारागाह बना हुआ है, खुला चारागाह बना है कि यहाँ पर सबको ही आके अपनी हुंकार लगाता है कि हमारा भी अधिकार है, हम 40 साल से बसे हुए हैं, 4 पीढ़ी से बसे हुए हैं, तो जो सदियों से बसे हुए हैं उनके अधिकारों का क्या होगा? हाँ, उनके जो मान सम्मान का क्या होगा, उनकी भाषा संस्कृति का क्या होगा? तो यही तो लड़ाई है। और जो सरकार को जो स्वतः संज्ञान लेते हुए जो उन्होंने खुद अपनी घोषणा की, घोषणा पत्र आज जुमला पत्र में बदल गया है, क्योंकि 2 साल बीत गए और अभी भी मुख्यमंत्री इतने आंदोलन के बाद भी कह रहे हैं कि हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। कब तक अध्ययन करेंगे? मतलब 2 साल ऐसे बिता दिए, 3 साल के अध्ययन में बिताएंगे क्या वो? तो उनका तो समय फिर हो गया ख़त्म। अब यहाँ पर जो मैं आपको बोलूँगी कि सरकारें किस तरह से अपने लोगों के हितों की रक्षा करती है, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ और वहाँ की सरकार ने अगले 30 वर्ष तक के लिए वहाँ की जो नौकरियों को अपने राज्य के निवासियों के लिए लॉक कर दिया। तो ये इस तरह की बातें आती हैं, और तो वो क्या वो असंवैधानिक बातें हैं? वो बाहर के लोगों को क्यों नहीं घुसना देना चाह रहे हैं? क्योंकि जो उस राज्य का निवासी है, पहला हक उसी का बनता है। वो कहाँ जाएगा? वो क्यों दर दर भटकेगा? वो क्यों निकलेगा? जो अपना स्वतः जाए उसकी बात अलग है, मगर जो उस राज्य में बसने वाला हर व्यक्ति को वहाँ पर सेकंड ग्रेड से लेके 4th ग्रेड तक की प्राथमिकता उसी को मिलनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं हो रहा है। अभी पिछले वर्ष के अंत तक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नियुक्ति का वर्ष होगा, ठीक है, और महीने साल के आखिरी में हम लोग क्या देखते हैं कि मुख्य सचिव के द्वारा एक चिट्ठी निर्गत की गई कि राजस्थान से आए हुए भंगी समुदाय के जो लोग, जिनकी संख्या आज के डेट में 16,000 के है, और उनके जो वर्तमान पीढ़ी को जाति से बनाने के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए खतियान की अर्थ हटाई जाए, तो प्रवासियों के लिए इस तरह की व्यवस्था ली जा रही है, जबकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते ही सबका स्टेटस बदल जाता है। तो इस तरह के गेट खोले जा रहे हैं बाहरियों के लिए। यहाँ स्थानीय नीति तब तक लागू नहीं हुई, और बाहरी जो बोलियाँ बिहार की, जो बोलियाँ जिनको संविधान ने भी मान्यता नहीं दी है, वो बिहार राज्य में जिनको मान्यता नहीं है, वहाँ पर न स्कूल कॉलेज न दफ्तर में इस्तेमाल होता है, उसको यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा के बतौर घुसा दिया जाता है। और सरकार व्यवस्था लाती है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड भी वो अपनी बोलियों में देंगे, तो फिर तो वो जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर की सारी नौकरियाँ जो वो अपने पल्ले में डालेगा, वो तो पहले से ही जा रही हैं, और ये तो आपने एक लाइसेंस दे रहे हैं सबके हाथ में, तो फिर झारखंडी क्या करेगा? 5वीं अनुसूची के राज्य में जो 13 जिला अनुसूचित नोटिफाइड रहे हैं, जिसको आज से किसी ने छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, उतना हिम्मत नहीं की, एक PIL होता है और उसके आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय एक ऐसा आदेश दे देते हैं कि जिसमें कि 13 जिलों में अब से 3rd-4th ग्रेड में स्थानीयता की प्राथमिकता अब रहेगी नहीं, स्थानीय को प्राथमिकता ही नहीं मिलेगी। तो फिर यानी ये गेट नंबर 3 भी तो खोल दिया आपने, तो जगह कहाँ बची फिर झारखंडियों के लिए? उनकी तो हमारी तो अपनी सामाजिक धार्मिक पारंपरिक ज़मीनें तो लुटी रही हैं, तो फिर ये तो लाइसेंस मिल जाएगा सब कुछ करने के लिए, यहाँ पर कब्जा करने के लिए। तो इसी सब चीज़ों का विरोध है, हमारे भाषा संस्कृति परंपरा अस्मिता
सब पे ही हमला है। हमारे जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अभी तक तो पीठ में ही छुरा भोंक रहे थे, अब सीधा पेट में छुरा भोंकने का काम हुआ है। तो ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये झारखंड हमारे पूर्वजों ने उसको लड़ के लिया, हमारे अगुवाओं ने लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद ये हमें झारखंड मिला है, तो हम उनका अपमान हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे और नया झारखंड जो हम लोग लिखने के काम करेंगे। तो देखिए, हम तो यही चाह रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, हम लोग सब झारखंडी एक हैं। हमारी वही मूल, जो मैंने अभी सारी बातें गिनाई, वही सब हैं हमारी मूल बातें और मांगे। और जो है सरकार जो है, अब क्योंकि इनको हेमंत दादा ने, इनके हेमंत दादा ने ही इनको बुलाया था कि रांची आओ, हम लोग बात करते हैं, और उसी भरोसे पे आ गए। जैसे इन्होंने 32 का खतियान पे स्थानीय नीति बनाने की बात कही थी, उसी तरह इनके बुलावे पे चले आए ये लोग। और किस तरह से इनको ला के यहाँ पर पटक दिया गया, और आज तक कोई बात यहाँ तक नहीं आई है, ना ही आधिकारिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, ना ही जो है सरकार, जो कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। लोबिन सर, लोबिन हेमरन जी आज पहली बार आए हैं, इन्होंने भी जो सदन में ये बात उठाई है, और जो मगर इनका आंसन जो है ये लोग तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हम लोग तो इनसे रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं, मगर कि लड़ना है तो पूरे दमखम के साथ लड़ें। आंसन जिनको कदर नहीं है आपकी ज़िंदगी की, आप क्यों उनके लिए जान गंवाने के लिए तैयार हैं? मगर इनकी भी अपनी जिद है, हम देखते हैं इनको कब तक मना पाते हैं। तो ये हाल है, सरकार जो है संवेदनहीन बन चुकी है, ये कुछ नहीं देखना चाह रही है। उनका जब इतना बवाल हुआ है, उसके बावजूद भी मैथिली को जो है यहाँ पर प्लस टू के जो है पाठ्यक्रम में डाल दिया गया, मतलब अपमान पे अपमान किए जाए, तमाचा पे तमाचा लिए दिया जाइए, और सोच रहे हैं कि झारखंडी यहाँ चुप बैठेगा? कतई नहीं। अब वो वक्त ख़त्म हो गया है, वो 21 साल बीत चुका दिए हमारे लोगों ने, इस उम्मीद में कि हमारे सपनों का झारखंड बनेगा, हमारे पूर्वजों, हमारे अगुवाओं के सपनों का झारखंड बनेगा, मगर नहीं। अब नए झारखंड का जो है गाथा, कहानी हम लिखेंगे, अपने शर्तों पे होगा, और जो संविधान में जो सारा कुछ उल्लेखित है उसके आधार पे हम लोग लेके रहेंगे। ये हमारा जो है ऐलान है, और हम लोग तब तक हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। दुनिया तो देख ही रही है, देश देख रहा है, दुनिया भी देख रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री तो राष्ट्रपति पुतिन जो रूस के हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा अपने आप को साबित करने में चले हैं कि तुम्हारा कुछ भी कर लो, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। तो देख ले, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर जनता बनाती भी है तो वो फिर आपको गिरा भी सकती है कुर्सी से। क्या मुख्यमंत्री जी इनकी मांगों पर विचार करेगी? क्या मतलब विचार करने के लिए तो वो समय मांग रही है ना। अभी तो अध्ययन 2002 का जो कोर्ट केस है, जो प्रशांत विद्यार्थी ने किया, और जो उसमें जो उनके वकील थे जिन्होंने इसको स्टे ऑर्डर लगवाया, वो आज यहाँ इस राज्य के महाधिवक्ता हैं। नाम है राजीव रंजन मिश्र, निवासी बक्सर, बिहार। तो फिर जिस व्यक्ति ने उस समय जो हमारे अपने इस संविधान निहित जो प्रावधान को पे जो रोक लगाई, आज वो जो यहाँ पर महाधिवक्ता बना बैठे हैं, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो झारखंडियों की जो मांगों का, अधिकारों की सही वकालत करेंगे? और वो कानूनी सलाहकार हैं हमारे मुख्यमंत्री के, तो किस तरह से वो उनको समझा रहे होंगे, अध्ययन करने में मदद कर रहे होंगे, वो तो समय ही बताएगा। तो आपने सुना कि गीता श्रीराव जी ने क्या कहा, और हमने उनसे अनेक मुद्दों पर बात भी किया। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।